तो यहाँ पे मैंने कल बात की थी टॉप 5 लैपटॉप अंडर 45,000, और आज हम बात करेंगे टॉप 5 लैपटॉप अंडर 50,000। ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जिसमें आपका सारा काम इजी हो जाए, फॉर एग्जांपल कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, बिजनेस का काम के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, ऑटो कैड, इंजीनियरिंग पर्पज, भाई सबके लैपटॉप बताऊंगा, बेहतरीन लैपटॉप बताऊंगा, और ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जिसमें से आप एक लैपटॉप परचेस करोगे, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप मुझसे बात करना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरे इंस्टा आईडी मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए करते वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे फाइनली हम आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम बात करते हैं टॉप 5 लैपटॉप अंडर 50,000, जो टॉप 6 है, ठीक है, 6 लैपटॉप मैंने चुना है। तो सबसे पहला जो लैपटॉप है वो है एसर का एसर एस्पायर 5, जो कि आपको प्रोवाइड करता है i5 11 Gen, 8 GB की रैम एक्सपेंड कर सकते हो, 1 TB की हार्ड डिस्क, 256 GB की SSD है, विंडो 10 का सपोर्ट है, 15.6 इंच की IPS पैनल नहीं इसमें, इसमें है आपको मिलेगी कॉम्फीव्यू, लिखते हैं यहाँ पे एसर, ये लिखते हैं कि कॉम्फीव्यू डिस्प्ले है, पर ये होती है एक एंटी ग्लेयर पैनल की डिस्प्ले है। और यहाँ पे इसकी प्राइस है 53,990, पर जो सेल की प्राइस होगी वो होगी 49,990, और 49,000 मतलब अंडर 50,000 में आपको i5 11 Gen मिलता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो CPU है ये बहुत अधिक पावरफुल, इसमें आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग इसलिए हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने इस लैपटॉप चुना हूँ अंडर 50 के प्राइस में, क्योंकि अंडर 50 की अभी Ryzen 5 5500U बस एक लैपटॉप में आता था जिसका नाम था Lenovo IdeaPad Slim 3, जो कि स्टॉक आउट हो चुका है। उसके बाद i5 11 Gen एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप ये भी लैपटॉप चूज कर सकते हो। और जिनको कन्फ्यूजन है कि Acer एक बेकार कंपनी है, बहुत लोग सोचते हैं ये बात, देखो आप लैपटॉप जैसे यूज करोगे वैसा चलता है, अगर आप उसे संभाल कर रखोगे तो लंबा चलेगा, अगर संभाल के नहीं रखोगे तो भाई जल्दी खराब हो, चाहे वो HP हो चाहे Dell हो, वो भी जल्दी खराब हो सकता है, जैसा संभाल के यूज करोगे वैसा चलेगा। क्योंकि यहां मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, अब बहुत लोग मुझे कॉल करके यही बोलते हैं भैया हमको Acer का लैपटॉप चाहिए, क्यों, मैं पूछता भाई क्यों, बोले बोलते भैया पिछला लैपटॉप Acer था अभी तक चल रहा है, तो जैसे यूज करोगे वैसा चलेगा। और ये था ये था 6 नंबर का लैपटॉप। अब बात करेंगे नंबर 5 लैपटॉप, जिसका नाम है MSI Modern 15, नया लैपटॉप है। यहाँ पे एक गलती है कि ऑक्टा कोर लिखा गया है, ये हेक्सा कोर है, ठीक, ऑक्टा कोर नाम का कोई भी CPU नहीं है Ryzen 5 पे, ये आप समझ लीजिए। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, विंडो 10 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, 15.6 इंच की IPS पैनल यहाँ पे आपको दी गई है, IPS एंटी ग्लेयर पैनल, मैंने कुछ दिन पहले इस पे एकदम डिटेल में बात किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी वेट है 1.6 kg, बैटरी है 52 वाट आवर, और यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी गई है 54,990, और जो इसके सेल की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी, एक्सपेक्टेड या क्लियर प्राइस है भाई, वो है 48,990, मतलब 48,990 रुपीज, और ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, और आप इसे परचेस तब करना, ठीक है, अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर है तब आप इसे परचेस करना, अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो परचेस मत करना, क्योंकि बहुत अधिक दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में MSI क्या बस 80 के आसपास सर्विस सेंटर, बहुत कम सर्विस सेंटर है, और यूपी में हमेशा मैं बात कर एग्जांपल में लेता हूं हमेशा कि यूपी में 80 से ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां पे अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर है तभी परचेस कीजिएगा, नहीं तो परचेस मत कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 लैपटॉप, जो कि मैं कंफर्म नहीं भाई इतना प्राइस पे आएगा, देखो Asus Vivo Flip 14, ऐसा लिखा गया कि 51,990, और यहां जो सेलर इसका दिखाया गया वो भी बढ़िया सेलर है, TBL ऑनलाइन, ठीक है, इसका रेटिंग भी सही है। अगर ये प्राइस पे आता है ना 51,990, भाई 50 आपको बजट है, एक्सपेंड कर लेना अगर आपको चाहिए टच स्क्रीन लैपटॉप, जो कि आपको मिलेगा i5 11 जन के साथ, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 14 इंच की IPS पैनल है, 1.5 kg का वेट है, MS Office आपको मिल जाएगी, मतलब सोचिए भाई 50,000, मतलब अगर आपका बजट 50 है ना तो आप 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे चलता है, मैं जानता हूँ आप लोग चला लोगे, और यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये अपने प्राइस को 100% जस्टिफाई करता है, 51,990 में आता है, तो भाई इसका कोई एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं है, इसका अगर 51,990 में आता है ना तो भाई परचेस कर लेना, अगर आपको चाहिए एक टच स्क्रीन लैपटॉप तो आप इसे परचेस कर सकते हो, मेटलिक बॉडी है इसका। यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो यहाँ पे जो लैपटॉप है उसका नाम है HP 14S FQ1030AU, ये लैपटॉप बहुत अधिक सेल हुआ है, आप सब जानते हो लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आपको मिलेगी Ryzen 5 5500U, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, यहाँ पे विंडो 10 का सपोर्ट है, 14 इंच की IPS पैनल है, जो कि मुझे कौन लगा IPS एंटी ग्लेयर होता तो ज्यादा मजा आता, बैकलाइट कीबोर्ड है, 41 वाटर की बैटरी, मतलब 41 मैं कंफ्यूज हूँ, 41 ही वाटर की बैटरी है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, जबकि यहाँ पे मैं खोला हुआ हूँ तो मैं देख बता सकता हूँ कि यहाँ पे सर लिखा नहीं गया होगा, 41 ही होगा मेरे हिसाब से, देखो 41 वाटर यहाँ पे लिखा गया है, तो भाई इतना लैपटॉप देखता हूँ भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, और इसकी प्राइस अभी 51,990, और यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक्स पे, ठीक है, प्राइस ग्राफ पे बात करते हैं, और यहाँ पे जो इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस दिखाई गई है फ्लिपकार्ट पे वो है 50,990,
मैं मानता हूँ कि ये जो सेल होगा, ये सेल में का जो इसका प्राइस होगा वो होगा 49,990। मैं ये बात बोलता हूँ, मतलब 49,990 से मतलब उसी के आसपास, ठीक है, 49,990 से लेके आप बोल सकते हो कि 50,990, इसके बीच में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा और ये अपने प्राइस को 100% जस्टिफाई कर इस प्राइस पे, क्योंकि HP और डेल एक ऐसा कंपनी है जिसका लैपटॉप हम लोग आँख बंद करके परचेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया सर्विस आपको ऑफर करती है, आफ्टर सेल सर्विस, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि लैपटॉप जो परचेस कर लिए ना बाद में सर्विस कैसा होगा, तो HP डेल भाई हमेशा नंबर वन पे आता है, तो यहाँ पे नंबर वन पे है। अगर आपको परचेस करना तो आप ये लैपटॉप परचेस कर सकते हो, जितना भी लैपटॉप बता रहा हूँ सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर टू लैपटॉप, ठीक है भाई, बारिश झमाझम होता है भाई, बारिश बहुत तेज बारिश वैसे। और नंबर टू पे जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 7, जो कि ऑफर करता है i5 10th gen, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप भी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि टू गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, ठीक है, दो ऐसे गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, अब यहाँ पर Acer Aspire 7 i5 10th gen तो बता दिया हूँ, नंबर वन कौन सा होगा, आगे वेट करो, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप है 8 GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो, मैक्सिमम सपोर्ट करता है 32 GB रैम तक, मतलब 32 GB, 512 GB की SSD है, 4 GB की NVIDIA की GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप खेलते हो GTA 5 1080p पे तो आपको आराम से बोल सकते हो कि नहीं भी तो 70-80 FPS मिल जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसकी अभी की प्राइस है 56,990, पर आप सबको पता है कि सेल की जो इसकी प्राइस है वो है 49,990, बहुत ही सस्ता लैपटॉप हो जाएगा अंडर 50K। ये गेमिंग लैपटॉप जो है ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि मेरे हिसाब से अंडर 50K में कोई दूसरा गेमिंग लैपटॉप शायद नहीं आएगा, पर एक चांसेस है कि शायद आ जाए, क्योंकि ये कि इंटेल का जो CPU होता है वो राइजन से अधिक कॉस्टली होता है और ये आपका ऑफर करता है 49,990 में। तो यहाँ पे जो नंबर वन लैपटॉप है जो मैं अब सोच रहा हूँ कि Acer Aspire 7 Ryzen 5 5500U, देखो राइजन का जो CPU होता है ना इंटेल का CPU का कंपेरिजन में सस्ते दाम पे बिकता है, तो यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम अगर आप 50 तक जा सकते हो तो 52 भी मैक्सिमम जा सकते हो, और इसका जो प्राइस होगा वो 50 से लेके 52 के बीच में होगा। अगर आप लैपटॉप परचेस करना भाई परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफर करता है Ryzen 5 5500U, जो कि इंटेल i5 10th gen से बेहतर है, आपको जो परफॉर्मेंस होगा वो बेहतर देखने मिलेगा इसमें, 8 GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो, 512 GB की SSD है, विंडो 10 का सपोर्ट है, 4 GB की ग्राफिक कार्ड है, मतलब ऑल इन वन लैपटॉप ये बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको जितना भी लैपटॉप बताया ना सब में आप कोडिंग प्रोग्रामिंग वीडियो एडिटिंग जो मैं काम बताया ना स्टार्टिंग में वो सब इजिली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लैपटॉप है ना वो सब बढ़िया लैपटॉप है, जितना प्राइस और ऊपर जाओगे तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा, इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा अंडर 60K के लैपटॉप में। तो वही बात है, ये जो लैपटॉप है ये जो अपने प्राइस पे 50K, जिनका प्राइस है 50K मैक्सिमम, तो वो 1-2 हज़ार रुपये तो ऊपर नीचे हो सकते हो, तो आप ये लैपटॉप परचेस कर सकते हो। इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस मैं बोलता हूँ वो होगी 50,000 से लेके 52,000 तक। अगर आपको परचेस करना भाई आप ये भी लैपटॉप परचेस कर सकते हो, अच्छा लैपटॉप है, मेरे कुछ फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, मैं उनका लैपटॉप यूज़ किया हूँ भाई, अभी तक लैपटॉप कोई खराबी आया नहीं है, हो गया उनका लैपटॉप यूज़ करते करते 7-8 महीना हो चुका है उनका, तो लैपटॉप कोई खराबी आया नहीं है। तो अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना भाई आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया टॉप 5 लैपटॉप अंडर 50,000, और यहाँ पे हम कल हम बात करेंगे टॉप 5 लैपटॉप अंडर 60,000। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और याद से भाई सहानी टेक को सब्सक्राइब करो, जब भी कोई लैपटॉप सस्ता होगा ना सबसे पहला इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बात होगा कि कोई थंबनेल नहीं बना होगा, पूरा रॉ वीडियो होगा, पर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगा उस पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर सब्सक्राइब कीजिए उसको जल्द से जल्द। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।